आप जब सुबह एम्बुलेंस में बैठते हैं, शादी लगाते हैं, क्या आता है मन में, गाड़ी चलेगी ना? तुम्हें झगड़ा करते बैठते हैं, अगर झगड़ा नहीं करता आप खुशी से 1000 रुपए देते। कोविड के समय फिर मैंने 6 महीना एम्बुलेंस टोटल फ्री दिया था। सांसें खत्म होती है तो हम एक सिर्फ बॉडी बन जाते हैं। ऐसा सब यहाँ पे रख के जाने, कोई करोड़पति रहने दो नहीं तो लखपति रहने दो। साथ में जाने जाते समय अपने शरीर पे कपड़ा भी नहीं आने वाला। जय थारी माँ आप सबको। आप देख रहे हैं हम एम्बुलेंस में बैठे हैं, एक मुश्किल इंटरव्यू है हम सबके लिए, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ मम्मी जी को। ये पूना डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर है हॉस्पिटल के, और 30 साल से एम्बुलेंस चला रहे हैं। आइए जानिए उनकी यात्रा के बारे में, उनका दिन कैसा होता है, उनके भाव कैसे होते हैं, बात करते हैं उनसे। नमस्ते। आप बताइए आपके दिन के बारे में, आपकी यात्रा के बारे में। 1994 में मैं मैडम पहले पुणे में आया, डॉक्टर किरण शाही वेलफेयर मेडिकल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, वहाँ पे पूरा नाम मोहन तारा हॉस्पिटल करके था, वहाँ पे मैं आया पहले। उन्होंने मेरे को एम्बुलेंस चलाने के लिए करके लेके आए पुणे में पहले, कि मैं गांव से आया तो फिर यहाँ पे बोले एम्बुलेंस चलाने का है तुमको, चलो यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं, नहीं। फिर मैंने सोचा ये पेशेंट वेशेंट का अपने बस का कुछ काम नहीं, बोले तुम यहाँ पे वार्ड बॉय करके काम कीजिए हॉस्पिटल। बोला ठीक है, बोला चलो। अभी गांव में तो कुछ इनकम सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, डॉक्टर गांव आए थे आप ही लेके आए। मैं बोला चलो, घर वाले बोले जाओ डॉक्टर आए तुमको पुणा से लेने के लिए, मैं आया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद 6-8 महीना एम्बुलेंस नहीं आई, फिर काम क्या करने का। 6-8 महीना एम्बुलेंस नहीं, डॉक्टर साहब को कोई था एम्बुलेंस एक डोनेशन करने वाले, वो टाइम पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। फिर उनको एक एम्बुलेंस डोनेशन मिली, और मिस्टर जक्कल करके ये फिलामेंट्स कंपनी करके, उन्होंने उनको एक एम्बुलेंस डोनेशन दी। तब तक मैं बोला मैं क्या काम करूँगा, फिर मेरे को बोला आप तब तक पेशेंट का वार्ड बॉय का काम कीजिए। अच्छा। वार्ड बॉय का पेशेंट का कुछ पता ही नहीं था क्या करने का क्या नहीं। अब एक दो बार तो ऐसा हो गया वो पेशेंट को जाके स्टूल कलेक्ट करो बोले नर्स लोग, अभी स्टूल कलेक्ट करो बोले तो मैंने उधर का स्टूल उठाया और सिस्टर को ला, बोले स्टूल बोला तो मोशन कलेक्ट कर दिया सिस्टर ने, बोला ऐसा। फिर तभी ऐसा ऐसा मैं बस सीखते सीखते ही गया। 95 से मैं एम्बुलेंस चला रहा हूँ। एम्बुलेंस एक गाड़ी है, क्या है ये गाड़ी है? नहीं, एम्बुलेंस नहीं, ये पेशेंट शिफ्टेड वैन है, पेशेंट है, डेड बॉडी है, ये शिफ्टेड वैन है। उसमें एक सेवाइका थी, एक रुग्णवाइका थी एम्बुलेंस में, लेकिन आजकल क्या दोनों इक्वल हो गए, सेवाइका और रुग्णवाइका, उसमें ये सब काम चला लेते लोग। लेकिन वो टाइम से मेरा एम्बुलेंस का काम चालू। आप जब सुबह एम्बुलेंस में बैठते हैं, शादी लगाते हैं, क्या आता है मन में, गाड़ी चलेगी ना? नहीं, हम तो ये सोचते हैं बाबा आज कुछ इमरजेंसी नहीं आना चाहिए, कुछ एक्सीडेंट केस नहीं आना चाहिए, भगवान की कृपा से चुकी आया वैसे ही अपन घर पे बिना हेडेक के घर पे जाना चाहिए। नहीं तो हम भी कभी कभी एक्सीडेंट का केस बनाया कि घर से कोई अटैक आया होगा पेशेंट लेके आए, तो हमको भी थोड़ा तकलीफ होता है, टेंशन आ जाता है बाबा कैसा क्या। कभी कभी घर पे दो ही लोग रहते मिस्टर मिसेस, उसको कुछ तो प्रॉब्लम वगैरह रहता है, वो टाइम पे कॉल करते आप जल्दी एम्बुलेंस लेके। अभी हम तो अकेले जाते तो वहाँ पे कोई उठाने के लिए भी नहीं रहता, कोई आसपास में है, कोई बड़े बड़े बिल्डिंग में कोई कुछ देखता नहीं, हेल्प के लिए नहीं, हेल्प कोई नहीं करती। फिर इसलिए अभी कॉल हमको आया तो हम पूछते हैं उनको आपको हेल्पर लेके आओ क्या, खाली एम्बुलेंस लेके। तो वो लोग बोलते हैं आप आते समय एक दो हेल्पर लेके आओ, हमको बाबा चौथे माले से नीचे लेके आने का, हमारे पास भी सर्विस लिफ्ट नहीं। उनका जो लगता है आपको जब वो जान बचती है? नहीं, अंदर से खुशी हो जाते हैं मैं उनको, बाबा चलो अपने वजह से एक दिन की जान बच गई, हम टाइम पे पहुँच गए बिना किधर किले किए, वो अगर अर्जेंटली वहाँ पे पहुँच जाते तो लेके आते। वो उसका एक पेशेंट का भी अटैक का वगैरह गोल्डन आवर है, समय पे लाए तो डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट किया तो उनकी भी जान बच जाती है। आपके लिए जीवन और मरण का मतलब क्या है? आपने इतनी जिंदगी देखी,
इस एम्बुलेंस में पता नहीं आपने कितना जीवन देखा, जिंदगी और मरण का, जिंदगी जीवन मृत्यु का मतलब क्या है? ये जिंदगी जीवन मृत्यु का मतलब मैडम लोगों ने अभी के टाइम पे सब इंसानियत रखनी चाहिए अपने आप में, सब हेल्पिंग नेचर है वो रखना चाहिए, किसी को भी कोई अमीर रहने दो या गरीब रहने दो, एक ऐसा हेल्प करना चाहिए किसी ने भी किसी, अगर अमीर भी लोग रहे तो उन्होंने गरीब लोगों को हेल्प करना चाहिए, और गरीब हो तो अमीर, अब गरीब आदमी है तो अमीर देखता नहीं या कोई है वो देखता नहीं, वो जाता है बेचारे के लिए। अभी अभी मैं भी स्टार्टिंग में तभी 98-99 को एम्बुलेंस तो इतने नहीं थे पुणे में, इसलिए अपन उंगली में गिनेंगे उतने एम्बुलेंस थे। इस ससुन में से हमको इतना होते समय पे कॉल व्हील बॉडी पेशेंट वेशेंट लेके जाने के वगैरह बहुत थे, वो समय भी मेरे को भी मैं गाड़ी आगे चला रहा था रोने का आता था, अपन बॉडी लेके जा रहे साथ में होगा ये क्या है मुझसे बताया ऐसा, मैं कभी कभी विंडो से सिर बाहर निकल के रोता था अपने घर से कोई गुजर गए तो हम आंसू तो नहीं आएगी ऐसा लगता, तो ये धर्म है, ये धर्म है तो करना ही पड़ेगा, ये धर्म भी है ये सोच के ही करना अभी तक भी किया, और ये बहुत बड़ा धर्म करना बहुत बड़ा है, इसी को ना ये सेवा बोला तो इसमें पैसा कभी कभी लोग जितना चाहे उतना पैसा वैसा देते लेकिन उनकी मदद की जरूरत पैसा लेने के समय, लेकिन मेरे को जितना बिजनेस नहीं होता था उससे ज़्यादा मेरे को पेट्रोल से वाहन से लेने का अच्छा, लोग कभी कभी खुशी से भी ज़्यादा पैसा मिले, अभी लोग कोई कोई झगड़ा करते बैठते, अगर आपका पेशेंट लेके गए तो आप मेरे को 1,000 रुपये देने के लिए राजी रहते, लेकिन मेरा रेंट होता है 700 रुपये, मैं झगड़ा करते बैठते हैं, अगर झगड़ा नहीं करता आप खुशी से 1,000 रुपये देते, पर आप ये नहीं सोचते मैथमेटिक्स के, लेकिन ये सेवा रुकनी नहीं चाहिए, अगर पैसा कम है ये सेवा रुक नहीं सकती, नहीं रुक सकती। अच्छा एक मुश्किल दिन को कैसे हैंडल करते हैं, अगर आपका कोई दिन बहुत मुश्किल गया है, किसी दिन अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शव लेके जाने पड़ते आपका दिन कैसा, जितना लोड है जितना काम हो सकता है उतना करने का, हकीकत है कंट्रोल तो रखना ही चाहिए, आगे कह दो मैं अभी भी टाइम पे 24/7 अवेलेबल रहता है, ड्राइवर ने फोन नहीं उठाया तो मेरा 24/7 ड्यूटी पे भी, यहाँ पे मेरे खुद के भी एम्बुलेंस है दस बारह, यहाँ पे मेरे को सैलरी अवेलेबल होना वाला मैं मिल गया छुट्टी, और आपकी एम्बुलेंस सर्विस में कोई भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं मेरे एम्बुलेंस सर्विसेज में। ये बताइए लोगों की तरफ से कुछ मुश्किल आती है, कुछ लोग क्या कभी अनरीजनेबल हो जाते हैं आपके साथ? नहीं मुश्किल आ जाते हैं बहुत सारे उनको लोग, कई कई बार लोग टेंशन में रहते हैं पेमेंट नहीं देते ऐसे ही चले जाते, हम भी बोलते जाने दो इसलिए नहीं दे तो आगे वाला आप उनको 500 बढ़ा के देगा उसमें कवर हो जाएगा, और अपना क्या पेट्रोल और डीजल का ही जाता है, ड्राइवर को क्या मेरे को एक ट्रिप होने दो नहीं तो ट्रिप नहीं होने दो नहीं तो 10 ट्रिप नहीं होने दो, सैलरी तो उसको देना ही देना है, चलिए हम भी इतना नहीं सोचते। प्रार्थना का क्या मतलब है आपके? प्रार्थना का मतलब तो प्रार्थना तो करना चाहिए सबके लिए, अच्छा प्रार्थना करना चाहिए, आजकल लोग एक दूसरे के शुभचिंतक है इनसे तो कम है, ऐसा तो कम है, प्रार्थना जैसा लोग तो खुद के लिए करते, खुद के लिए करने की सबके लिए करना चाहिए प्रार्थना, मैं तो कभी बोलता हूँ तो मेरे सच्चे मैं बोलता हूँ हमारे जो काम करते थे साथ ड्राइवर वो अच्छा रहेंगे, वो अच्छा रहेंगे तो मेरा बिजनेस चलेगा, ये तो नहीं अच्छा, चलेगा ड्राइवर जो आपके साथ के जो भी आपके संग में है उनकी थिंकिंग क्या है? नहीं वो भी जो अभी मेरे पास 10-15 साल से ड्राइवर लोग हैं उनकी सोच कैसी है? वो भी इसमें अभी उनको आदत लगी, वो भी इमरजेंसी आया कुछ आया, आधी रात को भी मैंने फोन किया तो
आ जाते हैं। नहीं नहीं बोलती हूँ, मतलब मेंटली आप लोग मजबूत हैं? मजबूत नहीं थे, हो गए मजबूत, मतलब थे नहीं मजबूत, मैं तो काम करते करते मजबूत नहीं। मेरे को तो ये फील्ड में आने का ही नहीं था, लेकिन आगे आगे चल के मेरे को सिचुएशन चला तो सब जन ऐसा बोलेंगे तो फिर ये काम कौन करेगा। आपने ऐसे कभी एम्बुलेंस में शव लेके गए जिनका कोई नहीं है? देयर इज नोबडी, कोई है नहीं। मैं तो एक बार यहाँ से बिहार लेके गया था, पूना से बिहार लेके गए थे। उसका कोई नहीं था? उसका यहाँ पे वागोल में बिल्डर के पास काम करता था, वो बंदा बिल्डिंग के ऊपर से गिर गया है। उसका डेथ ससुर में पोस्टमार्टम करने के बाद में हम उसको बिहार में किसके पास लेके? बिहार में लेके गए, लेकिन यहाँ से हमको यही था कि वो एड्रेस ही उसका मिसिंग दिया था। फिर मेरे साथ में जो चार लोग आए थे उन्होंने पेमेंट लिया था, उसके लड़के के घर वाले के पास दे दिए थे। जैसा जैसा गांव नजदीक आएगा वैसा एक 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 जन ऐसे आपने पेशेंट्स या बॉडीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं जिनका कोई नहीं है? नहीं, ये तो संभाला। हाँ, इसका कोई नहीं, लेकिन वहाँ पे पंचायत में गया वही बॉडी लेके, बॉडी लेके बॉडी बिल्डर ने 3 लाख रुपए दिए थे जो साथ में बनने लगे थे। वो टाइम पे बिहार में तो रोड भीड़ का बहुत प्रॉब्लम था, ऐसा ब्रिज के ऊपर वगैरह ऐसा पत्र डालते थे गाड़ी जाने तो आपको 300 रुपए। तो वो बॉडी आपने पंचायत को हैंड ओवर? पंचायत को बोला ऐसा ऐसा है जो भाई, वो तो लोग बोले ये तो इसका गाँव ही नहीं, आपकी कैसे क्या लिखे। आपकी परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति क्या थी? टेंशन है तो ना, वो अभी बॉडी लेके मैं तो किधर जाऊँ क्या करूँ। जो साथ में आए थे वो लोग तो निकल के गए सब जन, उन्होंने जो पैसा दिया था वो लेके। लेकिन वो टाइम फिर वो होटल के पास रुके थे, होटल में बोले वो पंचायत वाला एक आदमी आता है उनके साथ आपको मिलवा के देता है। देव सांसें खत्म होती है तो हम एक सिर्फ बॉडी बन जाते हैं। हाँ, बॉडी बन जाते हैं, जब तक सांस है तब तक इंसान को कीमत है। खलास, मुझे एक चाहिए। आप एक मैसेज दे दीजिए लोगों के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, कुछ जो आपके दिल में मैसेज आ रहा है वो दे दीजिए। मेरा मैसेज यही है, खाली पैसे के देख के किसी ने भी रुकना नहीं चाहिए। सब जो है वो अपना हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए सब। पैसा ही पैसा कुछ भी नहीं दुनिया, पैसा वैसा सब यहाँ पे ही रख के जाने, कोई करोड़पति रहने दो नहीं तो लखपति रहने दो। साथ में जाने जाते समय अपने शरीर पे कपड़ा भी नहीं आने वाला, जान की कीमत नहीं, जान की कीमत नहीं है लोग सही से इंसान ना। अभी जिंदा ही तभी लोगों का ज्यादा नाम ले, मरने के बाद लोग बोलते अच्छा आदमी था, लेकिन जिंदा ही तभी कभी नहीं बोलते। एक दूसरे के लिए खड़े होना है, खड़ा होना चाहिए, बातों में नहीं सहारे में। सहारे में कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है कुछ है तो कुछ थोड़ा वो 10 रुपए तुम्हारे पास है तो 10 के 10 मध्य 1 रुपए तो मदद करके। वो सामने वाला आदमी कौन सा भी कभी बुरा नहीं रहता, उसका समय बुरा रहता, लोगों ने ये समझ के लेना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ था सुबह सुबह, मैंने उनको उठाया अपने एम्बुलेंस में डाला और हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए। फिर उनको उनको कॉन्टेक्ट करके उसका जो फायर था 3-4 जगह पे फ्रैक्चर था उनको बताया। फिर वो लोग आए, मैं बोला एक्सीडेंट हुआ था ऐसा ऐसा उनका, आप इनको आ जाओ इधर आए। फिर वो लोग आने के बाद बोला एक्सीडेंट नहीं, आपने उसको एक्सीडेंट किया उड़ा इसलिए आप लेके आए, आपने बचाया, लेकिन वो बात आपके ऊपर है, वो बात मेरे ऊपर लगा रहे, आपने एक्सीडेंट किया इसलिए उनको हॉस्पिटल में, शायद इसीलिए लोग भी डरते हैं, इसलिए अभी हॉस्पिटल में लेके आए। बोले कैसे संभाला आपने? वही बोला अभी वो तो यहाँ पे पूरा उनका ब्लीडिंग हो गया था यहाँ पे लाने के बाद, वो कॉन्शियस होने के बाद में उन्होंने पेशेंट के जो फादर था उनको बताया, इन्होंने मेरे को एम्बुलेंस में डाल के लिए क्या है, इनका कुछ भी इसमें प्रॉब्लम। पर वो तो हमारे वो अवेयर थे कि वो बोल पाए कि आपने उनको बचाया। हाँ वो थे, लेकिन वो मैं भी वो सोचे कि अगर वो डेथ हो जाते तो मैं बहुत मुसीबत में अटक जाता था।
तो यही वजह से लोग भी घबरा रहे हैं कि अगर मदद करी तो खुद में गले में आ जाता है। ऐसे लगता है कि उन लोगों ने ही किया है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। पहले पेशेंट की केयर, उसके बाद छानबीन हो किसने क्या करा, लेकिन जो मदद करता है ये उसके लिए एक उसके आड़े ना आए। बहुत बार लोगों को कुछ पता नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, इसलिए ब्लेम करते हैं। लेकिन आप उनको पता है, अपन सब काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ मैं नहीं। तो उन्होंने मेरे को, फिर बहुत बड़े लोग थे वहाँ खेड़ी से, वहाँ पर उनका पेट्रोल पंप वगैरह था, उन्होंने तो आप सिर्फ अपने जमीन के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, फिर उन्होंने खुशी से मेरे को वो टाइम 15 साल पहले 10,000 रुपये दे रहे थे। मैं बोला नहीं चाहिए पैसा, बोला उन्होंने अभी मैं गया तो वो होटल पे कभी खाना खाए वगैरह नहीं छोड़ती। तो ये रिश्ता एक बन गया, रिश्ता बन गया मेरे को। मैं गाली लोगों से पैसा रिश्ता बना रहा हूँ। जब सिचुएशन आपने उनको एक्सीडेंट के टाइम उठाया, तब तो आपको नहीं पता था ना वो कौन है। कुछ भी पता नहीं, आपने विश्वास उठाया ना उनको, अननोन करके, पहचान नहीं, कुछ नहीं, कोई भी रहने। तो मदद तो निस्वार्थी की जाती है, मदद तो निस्वार्थी करती। जब आप मदद कर रहे थे, जब आप उनको उठा रहे थे, आपको तो नहीं पता था वो कौन है। नहीं पता नहीं था। मदद तो निस्वार्थ होती है, मदद तो निस्वार्थ होती है। हमारा ईश्वर हमें देख रहा है, देख रहे हैं। क्या सिर्फ उस कारण मदद नहीं की जा सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए सब जन ने मदद करते रहना चाहिए, जो आप उनको जो फल मिलने के वो टाइम आने के बाद में बराबर मिलते। अभी मैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुई उनको कॉल किया, मेरे को 50,000 रुपए कभी बाकी लेके जाओ, आपने उनकी जान बचाई। तो प्रॉब्लम, इसलिए लोगों को ये समझ, लोग पहले पैसे को देखते फिर मदद करते। पर आपका रिश्ता उनके साथ विश्वास का बना, विश्वास का। तो आपकी बातों से आज एक मैसेज जरूर आ रहा है, विश्वास ही चाहिए। मन में नहीं रह रहा है कि हमारा विश्वास और भरोसा नहीं रह रहा, तो हमें उसको रीइंस्टेट करना, हमें उस भरोसे को वापस लाना है अपने जीवन में। तो आप अपनी जीवनी के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी ड्राइविंग के साथ पूरा अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं तो पूरा धर्म निभा रहा हूँ, मेरा यही एक ही है। तो आप अपने लिए जीने का, दूसरे लिए देने का। जब आप एम्बुलेंस चलाते हैं तो ये ईर्ष्या अपने आप खत्म नहीं हो जाती कि कुछ भी नहीं है जीवन एंड में। वही तो मैं बोल रहा हूँ सबको, मैं वही बोलता हूँ। मैं 30 साल से कर रहा हूँ, लास्ट में सब जीरो है। इसलिए जितना आप उनको लगता है उतना ही करो, जितना चाहिए उतना ही। अगर एक्सीडेंट हो, बीमारी आए, डेथ आए, तो कुछ मायना नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता। हम सब एक हो जाते हैं। डिलीवरी का डेट पता है, लेकिन मौत का डेट किसी को पता नहीं अभी तक। डिलीवरी कभी होता है, सब जन बोलते हैं बाबा ये प्रेगनेंट है, इसका ये मंथ में डिलीवरी होने, लेकिन मेरी मौत कोई बोल नहीं सकता, तुम ये साल में उधर जाएगी, इस साल में। आखिरी सवाल, असली धन, असली जो हमारी बरकत है वो स्वास्थ्य है, ये मानते हैं? नहीं, असली बरकत तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं। नहीं, असली बरकत है, कोई भी किसी को फंसा के काम नहीं करना चाहिए, किसी ने भी कभी भी। तो अपना जो मेहनत करके कमाते उसमें ही मजा है। अपना जो काला धन है, क्या चोरी किया हुआ पैसा है, झूठ बात किया जाएगा नहीं। मेरा तो अभी ये हो गया कि किसी को झूठ बोला तो मेरे सिर में रहता है, सिर पूरा खाली रहना चाहिए। मैं तो वो स्वस्थ है, झूठ होना चाहिए, नींद चाहिए चैन, बाकी कुछ नहीं। कि किसी का कुछ गलत किया, गलत किया नहीं। अभी भाई जान बुझ के हो जाता है कभी कभी गलती, नादानी में इंसान हो जाते हैं, वो कुछ नहीं भूल चुक होते हैं, ना समझे हुए, जान बुझ कर ना समझे हुए गलती हो जाती है। बाबा उनको पता नहीं चलता क्या कर रहे, लेकिन आपने अपना कर्तव्य पालन कर दिया। हाँ, मैं तो कर रहा हूँ। वो पहला हमारा मोइनतारा हॉस्पिटल बंद होने के बाद में यहाँ पे अपने विलुप्त होने वाला मेमोरियल हॉस्पिटल हुआ है। यहाँ पे तो बहुत सारा चैरिटी का काम हो रहा है, एम्बुलेंस का भी और पेशेंट लोगों का भी। आप जी को बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और बात तो निकल कर आ रही है भरोसे की।
श्वास भी, हमें वापस एक दूसरे पर भरोसा करना, श्वास भी।